इसराइल ने हिजबुल्ला के कई कमांडरों को ढेर करने के बाद अब लेबनान में उसके खुफिया हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया है। बेरूत में शुक्रवार को हमले करने के बाद इजरायली सेना ने शनिवार को भी लेबनान में खौफनाक हमले कर दक्षिणी बेरूत को हिला दिया। इसराइल ने शनिवार को भी लेबनान में बमबारी की। इस दौरान इसराइल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर एक दर्जन हवाई हमले किए। वहीं पहली बार उत्तर में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि कुछ हमले बहुत ज्यादा हिंसक थे। AFP की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली दुश्मन के युद्धक विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर 4 हमले किए थे। बेरूत में शनिवार की रात को इजरायली हमलों से पूरे शहर में हलचल मची रही। पूरे शहर में लगभग 30 मिनट तक लाल और सफेद रंग की बिजली चमकती रही। ये क्षेत्र हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। इजरायली सेना ने कहा कि दक्षिणी लेबनान के अंदर जमीनी अभियान शुरू करने के बाद से उन्होंने 400 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाकों को मार डाला है। उधर लगातार जारी हवाई हमलों के बीच इजरायली सेना ने लोगों से बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को खाली करने को कहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के अधिकारियों ने बताया है कि मारे गए हिजबुल्ला नेता सैयद हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन से शुक्रवार से संपर्क नहीं हो पाया है। रॉयटर्स के प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि शनिवार तड़के बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई और धुआं देखा गया। इस हमले से पहले इजरायली सेना ने स्थानीय निवासियों को तुरंत इलाका खाली करने के लिए 3 अलर्ट जारी किए थे। हमले के बाद शनिवार तड़के हिजबुल्ला ने कहा कि इजरायली सेना लेबनान के दक्षिणी शहर ओडाइसे में घुसपैठ की कोशिश कर रही है, जहां उसके साथ हिजबुल्ला के लड़ाकों से जंग जारी है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल को आने वाले दिनों में जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा कि हिजबुल्ला की ताकत कमजोर पड़ गई है, तब तक वह लेबनान में बहुत ज्यादा अंदर घुसने से हिचकिचाएगा। माना जा रहा है कि इजरायल फिलहाल ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने के बजाय अपना पूरा ध्यान लेबनान ऑपरेशन पर लगाएगा, जब तक देश के दक्षिणी हिस्से में उसे हिजबुल्ला से चुनौती मिल रही है। इसराइल ने बेरूत दमिश्क राजमार्ग पर हमला करके इसे बेका वैली से काट दिया है। बता दें कि बेका वैली से सीरिया में जाने के लिए इसी राजमार्ग का उपयोग किया जाता है।